तालिबान के बाद हक्कानी नेटवर्क की काबुल में एंट्री। काबुल की सुरक्षा करेंगे हक्कानी नेटवर्क के आतंकी। भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है हक्कानी नेटवर्क। अभी तक आप लोगों को काबुल की सड़कों पर केवल तालिबान के आतंकी दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब दुनिया के सबसे खतरनाक और जालिम आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क के आतंकी भी वहां पहुंच गए हैं। दरअसल काबुल की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब हक्कानी आतंकियों के हवाले ही है। हक्कानी नेटवर्क को काबुल की सुरक्षा मिलने से दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। अफगानिस्तान का इस वक्त आलम यह है कि अमेरिका का मोस्ट वांटेड आतंकी खलील हक्कानी काबुल में खुलेआम घूमता दिखा है और यहाँ लोगों ने उसका जोरदार स्वागत भी किया है। दरअसल तालिबान के लिए पैसे जुटाने वाला हक्कानी आतंकी संगठन अलकायदा से भी जुड़ा हुआ है। उस पर $5 मिलियन का इनाम। जब वो काबुल की एक बड़ी मस्जिद में नमाज पढ़ने आया तो उसे लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया। इस आतंकी संगठन को खूंखार आतंकी और अमेरिका के खास सहे जलालुद्दीन हक्कानी ने बनाया था। 1980 के दशक में सोवियत सेना के खिलाफ उत्तरी वजीरिस्तान के इलाके में इस संगठन ने काफी सफलता भी पाई थी। सोवियत सेना की वापसी के बाद भी हक्कानी नेटवर्क ने वजीरिस्तान और आसपास के इलाकों में अपनी धमक बनाए रखी। खलील हक्कानी हक्कानी नेटवर्क का हिस्सा है जिससे अफगानिस्तान में तालिबान को आगे बढ़ने में मदद की है। इस समूह का गठन 1970 के दशक में जलालुद्दीन हक्कानी ने किया था। उस पर 2001 में टोरा बोरा से ओसामा बिन लादेन को भगाने में मदद करने का भी शक था। खलील इस समूह के संस्थापक का भाई है और ये लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार आतंकियों के लिए धन उगाही वाले नेटवर्क को विकसित कर रहे हैं। कहा जाता है कि जलालुद्दीन हक्कानी उसी समय से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का भी खास है। दरअसल CIA को ISI ही बताती थी कि किस मुजाहिदीन को कितना पैसा और हथियार देना है। इतना ही नहीं, उसे हथियार और ट्रेनिंग भी CIA के एजेंट ही दिया करते थे। यही कारण है कि आज भी हक्कानी नेटवर्क पर पाकिस्तान का बहुत ज्यादा प्रभाव है और इसी कारण भारत की चिंताएं भी बढ़ी हुई हैं। हक्कानी नेटवर्क को भारत का भी दुश्मन माना जाता है। वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर भारत के खिलाफ आतंकी वारदातों को अंजाम देता आया है। साल 2008 में काबुल में भारतीय दूतावास पर एक कार से सुसाइड अटैक भी किया गया था। इस घटना में 58 लोगों की मौत हुई थी। बताया जाता है कि इस काम के लिए उसे ISI की तरफ से आदेश मिला था। वहीं देश छोड़कर भाग चुके अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के भाई ने भी तालिबानी नेताओं से मुलाकात कर उन्हें अपना समर्थन दे दिया है। दरअसल तालिबान और हक्कानी नेटवर्क का ये कॉकटेल दुनिया भर के लिए मुसीबत बन सकता है, क्योंकि दोनों पर ही पाकिस्तान का हाथ है।